पिछले साल हमारा घर ही हमारा वर्क प्लेस भी था, हमारा जिम भी था, हमारा प्लेग्राउंड भी था, हमारी क्लासरूम भी वही था. एंड आई एम श्योर कि एवरीवन कैन रिलेट के लास्ट ईयर बहुत ही मुश्किल था हम सब के लिए और बहुत ही लंबा हम सबको फील हुआ था. ड्यूरिंग क्वारंटीन हमने ये रियलाइज़ किया कि घर हमारा घर का डिज़ाइन जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर किसी भी तरह की सिचुएशन हो, किसी भी तरह का टाइम हो, वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो कभी भी कर सकें. हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बेडरूम और उसके अंदर जो होम ऑफिस होता है. सबसे पहली बात तो ये है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपका जो बेडरूम है वो डायरेक्टली लिविंग रूम के साथ नहीं होना चाहिए. आप एक लॉबी दें और लॉबी के अंदर सात बेडरूम्स हों ताकि लिविंग रूम का जो शोर है वो आपके बेडरूम्स तक ना आए इफ़ यू वांट योर टू स्पेंड सम टाइम देयर अलोन. तो उसके बाद आपने करना ये कि आप ये मेक श्योर करें कि आप बेडरूम के अंदर या बेडरूम के साथ एक मिनी ऑफिस बना लें या अपने बेडरूम के अंदर ही आप एक अच्छी सी स्टडी टेबल सेट कर लें ताकि वहाँ पर आप अपनी जूम मीटिंग्स, आपकी क्लासेस हैं, आपके कोई मीटिंग है, आप वो अटेंड कर सकें. देन आप एक मिनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं उसके साथ, जो कि आपके टेस्ट के मुताबिक होगी, आपके लिए वो वैसे भी अच्छी होगी, आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन, अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि आपको मीटिंग्स करनी होंगी ऑनलाइन और क्लासेस लेनी होंगी, इफ़ यू आर अ टीचर, तो आप घर में एक स्पेस रखें, एक प्रॉपर ऑफिस बना लें होम ऑफिस के तौर पे, जो कि ऑब्वियसली एज अ स्टडी भी यूज़ होगा. वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि आपका जो स्टडी टेबल होगा इन योर बेडरूम, उसकी जो बैक है वो बेड वॉल ना हो, बिकॉज जब आप जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो दैट इज़ रियली ऑकवर्ड. आप कोई ऐसी एक दीवार रख लें या पीछे ऐसी दीवार है जिसपे शेल्फ्स बनी हुई हैं या कोई भी डेकोरेशन लगी हुई है, आप उसके मेक श्योर कि आपकी बैक पर वो वाली वॉल आए, आपकी बेड वॉल ना आए. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विक रिमाइंडर, इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें.